सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हमारे साथ हैं आरपी मौर्य जी, जो बहुजन समाज की आवाज़ को बहुत अच्छे से बढ़ चढ़ कर बोलते हैं। मौर्य साहब, आपका पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का मैं तहे दिल से स्वागत हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मौर्य साहब, अभी जो है राम मंदिर के ऊपर वहाँ पे एसपीजी भी लगने लग गई है और 3000 के आसपास बटालियन भी लग गई है, लेकिन आपने जो बुद्ध की प्रेडिक्शन डाली हुई थी, लोग बोल रहे थे राम का मंदिर वहाँ पर है, मस्जिद का निर्माण होना चाहिए, लेकिन आपने इसके बीच में नया पेश डाला था और आपने कहा था कि बुद्ध की धरती है तो इसलिए बुद्ध की धरती पर बुद्ध का मंदिर होना चाहिए, उसके लिए ऊपर क्या बोलेंगे आप? एक्चुअली हमारी याचिका जो है लगभग 1.5 साल पहले फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, और वो याचिका इसमें जो सिविल सूट होता है सिविल सूट में कंसीडर कर ली गई, और कंटिन्यूसली अभी तक उसकी पेशी लग रही थी, और लगने के बाद लास्ट दिन जो है हमारी याचिका को डिटैक कर दिया गया, मतलब वहाँ से हटा दिया गया, याचिका को सुना ही नहीं गया। तो मेरा सिर्फ ये कहना है सर कि जैसे भारत देश, अभी मोदी जी भी विदेशों में जा रहे हैं, और भारत देश बुद्ध की धरती है, और इंसानियत हर व्यक्ति को पसंद है, हर व्यक्ति उसके आधार पर जीना और करना चाहता है, तो जो देश की वास्तविकता है उस वास्तविकता को पब्लिक के बीच में लाना बड़ा इम्पोर्टेंट है। और फॉरएवर हम जो है लड़ाई कर रहे हैं, हम तुम इसी में अपना सब कुछ हम जो है अपना खपा कर दे रहे हैं, अपना समय पैसा सारा बर्बाद कर दे रहे हैं। तो इस उद्देश्य के साथ जो अयोध्या जिसकी जो विवादित स्थल है वहाँ पर पहले पूरा का पूरा बुद्ध विहार था, ठीक है, तो 2002 और 3 में वहाँ पर खुदाई हुई, खुदाई के उपरांत जो चीज़ें मिली हुई हैं वो ASI ने कम्प्लीटली उसको सजा लिया है अपने फाइल में, तो सजा लिया 2002 और 3 की रिपोर्ट के मुताबिक, एक एक इंच का पूरा डिटेल ASI देती है, और उसके अनुसार अगर सुप्रीम कोर्ट उसको पूरा का पूरा फाइल देखता है और उसको पब्लिक के बीच में लाता है तो उसके आधार पर अयोध्या एक बौद्ध स्थल है। और हमारी जो याचिका है, हमारी अपील जो है, हमारे बड़े भाई विनीत भाई मौर्य जी के माध्यम से गई है वहाँ पर, तो उस याचिका में ये अपील की गई है सुप्रीम कोर्ट से कि सर ये राष्ट्र की धरोहर है, ये धर्म की और आस्था की बात ही नहीं है, यहाँ पे साक्ष्यों प्रमाणों के आधार पे तथागत बुद्ध के अवशेष मिले हैं, और पुरातत्व अधिनियम ये कहता है कि जो चीज़ें प्राचीन काल से संबंधित हो या जो पुरातत्व के खुदाई के उपरांत मिलती हैं वो चीज़ जो है राष्ट्र को समर्पित हो जानी चाहिए। तो हमारी ये याचिका थी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही मतलब बेरहमी से उस चीज़ को खारिज कर दिया है। खारिज कहने का मेरा मतलब उसमें जो केस था उससे उसको हटा दिया, डिटैच कर दिया है। तो अब जो है एक पक्षीय फैसला देने जा रही है सुप्रीम कोर्ट, और जिसको लेकर के पूरा का पूरा हमारा बौद्ध समाज, पूरा देश इस बात से आक्रोशित है कि हमें जस्टिस नहीं मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट पूरा का पूरा अन्याय कर रहा है, तानाशाही कर रहा है, जिसके लिए हम बहुत बड़े स्केल पर एक आंदोलन कर रहे हैं सर। 10 तारीख को जंतर मंतर पर हम बहुत बड़े स्केल पे मतलब आंदोलन कर रहे हैं, उसमें पूरे देश के जो मॉन्क लोग हैं, जो समाजसेवी हैं, जो चाहते हैं इस देश के अंदर मानवता स्थापित हो, वो सारे लोग इस कार्यक्रम में, इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। ये चीज़ें हैं जो देश से आपने बताया, आपने प्रेडिक्शन फाइल भी नहीं कर पाए, आपके पेपरों को हटा दिया गया है या आपकी बात को नहीं सुना गया, कहाँ तक लगता है जी? पहले ये केस को कंसिडर किया गया जी, और कंसिडर करने के बाद उसको ले जाके उसमें अटैक किया गया जो मेन मुद्दा था, और उसके बाद विदाउट एनी रीजन, कोई कारण सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है। अब इनका कहना है ये सिविल सूट का मैटर नहीं है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ तमाम मुद्दे जो है आप कंसीडर करते हो और आप न्याय कर रहे हो, तो अगर मान लेते हैं आपको नहीं पता है कि वहाँ पे क्या है, नीचे बौद्ध स्थल है या नहीं है, अगर हमारे पिटीशन में कोई कमी रह गई है तो उस चीज़ को कंसीडर करो आप, वो आपकी जिम्मेदारी बनती है। मान लेते हैं मेरे को पिटीशन हमने डाली है, हम उतना पढ़े लिखे नहीं है या हम अनअवेयर हैं, अनपढ़ गवार हैं, तो क्या मुझे न्याय पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनना पड़ेगा? तो मेरा ये कहने का मतलब है कि कोई भी निर्णय देने से पहले अयोध्या मामले में हमारी याचिकाओं को पूरी की पूरी तरह पब्लिक के बीच में लाया जाए, और हम ये भी मतलब अपील करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होती है ना, वो गुप्तगु की सुनवाई ना हो, उसको लाइव टेलीकास्ट किया जाए, हर व्यक्ति हर पर्सन जो है पूरे देश का वो जान समय समझ सके। अब आप जो है इंग्लिश में वहाँ पर सारी चीज़ें कर रहे हैं, अंदर ही अंदर कर रहे हैं, मीडिया वाले जो है वो एक तरह एक पक्षीय बात करती है, एक चीज़ को दिखाती है, आज तक मीडिया वाले कभी नहीं दिखाया कि अयोध्या एक बौद्ध स्थल है, और बुद्ध के नाम पे पूरी मीडिया वालों को सांप सूख जाता है, वो कभी बात नहीं करते। मोदी जी जब विदेशों में जाते हैं तो ये कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, आखिर बुद्ध ने क्या बताया है, बुद्ध ने क्या बताया है? इसी चीज़ को अगर कंसीडर कर लिया जाए तो ये जो देश है जिसको देश को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वास्तव में विश्वगुरु बन जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जाते हैं अंधविश्वास, पाखंड, झूठ, अन्याय, इन चीज़ों के माध्यम से ये देश विश्वगुरु बने तो ये संभव है नहीं। पूरे जो वर्ल्ड लेवल की जो मीडिया है, वर्ल्ड लेवल जो भी है, तमाम बुद्धिस्ट कंट्री हैं, वो सारे जानते हैं देश की वास्तविकता क्या है।
लेकिन हमारे देश में ब्राह्मणवाद को पूरा का पूरा प्रमोट किया जा रहा है, जिसके चलते पूरा का पूरा शोषण हो रहा है। बस लोगों को ब्लाइंड फेथ में डालो और वोट लो, ये मेन उद्देश्य रह गया है। 10 तारीख को क्या कार्यक्रम बड़ा कर रहे हैं, कहाँ पर कर रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, कितने कितने की तादाद में वहाँ पर आने की उम्मीद है वो भी बताएं। सर जो है हम जितने भी बहुजन समाज के हमारे लीडर हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, चाहे सोशल एक्टिविस्ट हैं, सभी लोगों से कंटिन्यूसली हम संपर्क कर रहे हैं, सभी का पूरा सहयोग और समर्थन मिल रहा है। यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होने वाले हैं। हाँ, और इसमें जो हमारा मौर्य साक्या कुशवाहा सैनी समाज है वो पूरा का पूरा खुल करके, मतलब ये लगा लीजिए कि मैं इस आंदोलन को, मीन्स हम जो आंदोलन को कर रहे हैं, हम करने वाले नहीं थे, लेकिन इतना हमें समाज से प्रेशर मिल रहा है कि हम करने पे मजबूर हैं, करें क्या, क्योंकि अन्याय की एक हद होती है ना सर, एक लिमिट होती है। अब मेरी पूरी फाइल को दबा दे रहे हो, हम कह रहे पब्लिक के बीच में लाइए, ओपन करिए, सारी चीज़ें क्लेरिफाई करिए, क्या सही है क्या गलत है, हम भी संतुष्ट होना चाहते हैं ना, हम भी संतुष्ट होना चाहिए। और भगवान श्री रामचंद्र की बात है, हमें उनसे एलर्जी नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि भगवान श्री रामचंद्र जी से हमें कुछ मिल रहा हो तो हम करें सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर वर्ग को, एक समुदाय को अगर मिल रहा है तो पूरा समुदाय क्यों उसके पीछे जाए। और भारतीय संविधान, कई बार रंजन गगोई जी बोल चुके हैं, चंद्रचूड़ जी बोल चुके हैं कि भारतीय संविधान या जो कोर्ट है, न्यायालय है, वो आस्था और विश्वास से नहीं चलता है, वो सबूतों और गवाहों के आधार पर चलता है। और वहाँ पर जो पिलर मिले हुए हैं, उन्हें ये क्वेश्चन भी किया है कि इसको कैसे सिद्ध करोगे कि ये हिंदू का प्रतीक है। ASI की रिपोर्ट में, समरी ऑफ रिजल्ट में लिखा हुआ ये मंदिर है। कोर्ट ने यह भी क्वेश्चन किया है कि ये हिंदू लोग कैसे सिद्ध करोगे कि ये बौद्ध मंदिर नहीं था, क्योंकि बौद्ध के जो स्थल होते हैं उनको भी मंदिर का नाम दिया गया है। तो अभी तक कोई एविडेंस इनका मिला हुआ नहीं, लेकिन लास्ट डे जब इन्होंने हमारी याचिका को डिटैक किया तो हमें पूरा का पूरा भरोसा सुप्रीम कोर्ट से उठ चुका है सर, और इस बात को लेकर पूरा का पूरा भारतीय समाज जो है वो जन आक्रोश में है। और जो इनका सपोर्ट कर रहे हैं वो चंद लोग हैं, मैं आपको बता दूं 10-15% लोग जो पूरे देश में एक माहौल को क्रिएट करके बैठे हैं कि मंदिर बनेगा, मंदिर बनेगा, मंदिर बनेगा। ठीक है, आप मंदिर बनवा लीजिए, उससे हम एग्री हैं, समझ रहे हैं ना सर, हम उससे भी एग्री हैं, लेकिन हमारे जो समाज में अत्याचार बलात्कार, अभी आप लखनऊ में देखे होंगे तिवारी जी की मर्डर केस हो गया, योगी आदित्यनाथ ने वो मर्डर केस करवाया है, ठीक है ना, अगर आप CBI जांच लग जाए तो जाएंगे जेल। अब बताइए एक CM जो है वो मर्डर करवा रहा है, ये कौन सी राजनीति है, आप मुझे बताइए सर। तमाम लोग यहाँ पर, हाँ इनसे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं इसके टॉपिक पे कि आखिर देश में अखंडता एकता कैसे व्याप्त होगी। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं जो है देश को बहुत बड़ा, मतलब हाँ बहुत भारत श्रेष्ठ, नहीं वो सब तो केवल स्लोगन है, उन्हें दिखाने के लिए मात्र है, बाकी इंटरनली जो उनके अंदर चोर बसा हुआ है वो ये बसा हुआ है कि हम पूरे देश को जो है बहुत बड़ा, मतलब एक बिजनेसमैन आ गया है जो व्यापार करके इसको लूट के ले जाना चाहता है। सच्चाई यही है, आज हमारे देश के युवा लोग रो रहे हैं, उनकी बात सुनी नहीं जाती, लाठी डंडों से मार के भगा दिया जाता है, जब भी आंदोलन होता है कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, आप बताएं सर। आप थे हमारे साथ RP मौर्य जी, जो एक अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, और जो अपनी ही याचिका को अपने कोर्ट के अंदर दाखिल नहीं करा पा रहे हैं, और जनता आज इनके समर्थन में है, जो लाखों की तादाद के अंदर नवम्बर में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना चाह रही है बुद्ध की धरती को बचाने के लिए। आपने हमारे चैनल से बात करी, इसके लिए धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।